नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। तो मैं यहाँ आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट स्पोकन इंग्लिश में बोले जाने वाले वर्डों को लाता हूँ, जिनका यूज़ करके आप जो है अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो वर्ड है वो है स्मिटन। स्मिटन, इसे पढ़ते हैं स्मिटन। स्मिटन का मतलब होता है ये केवल ओनली बिफोर अ नाउन, केवल ये नाउन के जो है पहले इसका यूज़ किया जाता है। ये एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है और ये नाउन के पहले यूज किया जाता है। इसका पहला मीनिंग होता है सडनली फीलिंग लव और अफेक्शन टुवर्ड समबडी। हिंदी में होगा ऐसे अचानक प्रेम या स्नेह की अनुभूति होना, अथवा मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ सरल शब्दों में कि जैसे कह सकते हैं प्रेम में पागल, किसी के प्रेम में पागल हो जाना, उसे कहेंगे हम स्मिटन। तो फ्रेंड, स्मिटन का मतलब होता है किसी के प्रेम में पागल। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, सी वॉज स्मिटन बाय हिम एंड वुड नॉट लिसन टू रीजन। सी वॉज स्मिटन बाय हिम, वह उसके प्रेम में पागल थी, एंड वुड नॉट लिसन टू रीजन, इसलिए वह कारण को नहीं सुना होगा, रीजन को नहीं सुना होगा, क्योंकि वह उसके प्रेम में उन्मत्त थी या पागल थी। अब देखते हैं इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है। बाई विद समथिंग badly and seriously affected by an illness or feeling। हिंदी में कहेंगे किसी रोग या भावना से बुरी तरह प्रभावित, प्रेम या दुख से पागल, ऐसे कहेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, she was smitten with sorrow। इसका मतलब क्या हो गया कि जो है वह दुख से जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, यानी बहुत गहरा दुख था उसे। स्मिटन का यूज़ करके आप बहुत सारे लॉट्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं और अपने डेली यूज़ में इसे ला सकते हैं। तो फ्रेंड, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।